और हमें उसे अकेले घर में छोड़ देना चाहिए। आखिर कब तक हम उसे बच्ची समझते रहेंगे? कभी न कभी शुरुआत तो करनी ही होगी ना। हमें उसे एक मौका तो देना ही चाहिए एप्पल जैक। वो जो भी तय करें एप्पल ब्लूम, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। बिल्कुल, अगर इसके बाद तुम हमेशा के लिए बदल जाओ तो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो हम तीनों ने ये तय किया है कि तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो कि घर में अकेले रहकर दोपहर के सारे काम संभाल सकती हो। मुझे आपका फैसला मंजूर है। ये तो बहुत अच्छी बात है। दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग काइंडनेस है इजी, और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती है खुश हो, पर यहाँ अकेले रहकर पूरे दिन सारा काम निपटाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं जानती हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि आप सबको लगता है मैं ये जिम्मेदारी संभाल सकती हूँ। मैं आपको निराश नहीं करूँगी। Well, अगर मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है तो मुझे चलना चाहिए। ग्रेट आंट पाइन कहती है कि अगर किसी पोनी को किसी जगह पर वक्त पर पहुँचना है तो उसे वक्त पर पहुँचना चाहिए। तुम अपना ख्याल रखना एप्पल ब्लूम, और तुम सब भी अपना ख्याल रखना। मैं नहीं जानती कि तुम दोनों में से किसका रास्ता ज्यादा खराब है। तुम दोनों ही एक ऐसे शहर की तरफ जा रही हो जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। yep. हम जानते हैं ग्रैनी, इसीलिए तो मैं एप्पल ब्लूम को यहाँ अकेले छोड़ने के लिए राजी हुई। सच में? ओ, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था शुगर क्यूब। बात यह है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन होने की जिम्मेदारी सीरियसली निभाती हूँ, इसीलिए मैं सारी रात बैठकर ये बना रही थी। ये क्या है? बस एक छोटी सी रिमाइंडर लिस्ट जो तुम्हारे काम आएगी। रेफ्रिजरेटर में थोड़ा सूप है, उसे ज्यादा गर्म मत करना। अगर वो गर्म हो जाए तो फूंक मार लेना। छोटे छोटे घूंट भरना, अगर एक साथ पिया तो हिचकियाँ शुरू हो जाएंगी। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, और घर के कामों का भी मैं तैयार हूँ। हाँ, शायद तुम हो, पर मुझे नहीं लगता मैं तैयार हूँ। पर मेरा यकीन करो, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि सब संभाल सकूँ। ठीक है? हाँ, ठीक है। ओके फिर, गुड लक लिटिल सिस। ओके ग्रेट, सी यू सून, बाय। बाय, जल्दी मिलेंगे। बाय, सी यू। मैं अकेले हूँ। मैं अकेले हूँ घर पर, मैं घर पर अकेले हूँ। सच में बहुत मजा आने वाला है। सॉरी बिग मैक, मैं एप्पल ब्लूम के बारे में सोच रही थी। क्या तुम्हें लगता है वो अकेले ठीक रहेगी? यप। मैं बस यही सोच रही हूँ कि कहीं मैं उसके लिस्ट में लिखना कुछ भूल तो नहीं गई। जैसे कि मैंने ये नहीं लिखा, अगर उसे ड्रॉर से चम्मच निकालना हो तो उसे पहले ड्रॉर खोलना पड़ेगा। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, पर मुझे पता है मुझे कितना बेहतर महसूस होगा अगर मैं एक आखिरी बार उसे चेक कर पाती। आगे जाकर अपनी डिलीवरी निपटाओ, मैं एक बार उसे देख आती हूँ, फिर अपनी डिलीवरी निपटा लूंगी। नंबर 172, स्टोव को गर्म रखने के लिए हवा फूंकना मत भूलना। चेक, ध्यान रहे कि हैट एंड बूट्स वाली अलमारी पूरी तरह से भरी हो। चेक। और अब जब मेरे सारे काम निपट गए हैं,
और क्योंकि यहाँ कोई नहीं है तो सारे फैसले मुझे खुद ही लेने होंगे। अगर मैं म्यूजिक सुनना चाहूँ सुन सकती हूँ, अगर मैं किताब पढ़ना चाहूँ पढ़ सकती हूँ, अगर मैं बस यहाँ किचन में खड़ी रहकर खुद से बातें करना चाहूँ तो एप्पल ब्लॉम। एप्पल जैक, मैं तुम्हें चेक करने आई हूँ और अच्छा हुआ जो मैं आ गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ ये सब हो रहा होगा। थैंक्स, पर मैं रख सकती हूँ। रख सकती हो क्योंकि मैं जो यहाँ हूँ और मैं यही रहूँगी। मैं किसी भी कीमत पर अपनी छोटी बहन को घर पर अकेला छोड़कर नहीं जाने वाली। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और उन पाइस का क्या जो तुम्हें डिलीवर करनी थी? पाइस? हाँ, परिवार पाइस से कहीं ज्यादा जरूरी है। पर मैं ठीक हूँ, और दरअसल ये तुम्हारी गलती है। जानती हूँ, मुझे तुम्हें कभी अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था। पर मुझे तुम्हारी देखभाल की कोई जरूरत नहीं, मैं घर पर अकेले रहने के लिए पूरी तरह काबिल हूँ, सच में। बस देखती जाओ, रेफ्रिजरेटर में तुम्हारे लिए कुछ सूप है। वो क्या था? मुझे देखो। अरे नहीं, जितना सोचा उससे भी बुरा है। वेल, चिंता मत करो एप्पल ब्लूम, अब मैं आ गई और मैं तुम्हें घर में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। एप्पल ब्लूम, एप्पल ब्लूम। एप्पल जैक ओवर रिएक्ट कर रही है, मुझे यकीन है खुद ही समझ जाएगी। ओ, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं यही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा इरादा नेक है, पर मुझे तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। देखो। हे, इस रेक पर तकिया किसने रखा? ओ, पता नहीं, शायद उसने जिसे अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार हो और नहीं चाहती कि उसे चोट लगे। हे एप्पल जैक, जरा मुझे इन एप्पल्स को तोड़ते हुए देखो, बिना किसी मदद के और बिना चोट खाए। ये क्या है? तुमने हर एक चीज को बेबी प्रूफ कर दिया है। यप, तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हें एक बार निराश किया है, पर अब मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बस सच में मैं ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मुझे तुम्हारी देखभाल की कोई जरूरत नहीं है। ओह, तुम कितनी स्वीट हो। अच्छा लगा ये जानकर कि तुम मुझे बेहतर महसूस करवाने की कोशिश कर रही हो। हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, हमेशा। और इसी वजह से मैंने तुम सबको यहाँ जल्दी से बुलाया। हे एप्पल ब्लूम, तुम्हें कुछ चाहिए? एक स्नैक, एक हुप मसाज, शायद मसाज करवाते हुए ही स्नैक। सुनने में तो बहुत मजेदार लगता है। नहीं शुक्रिया। ओके, वेल, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं यहीं पर हूँ। तुम्हें समझ आया मैं क्या कह रही थी? अगर ही चलता रहा तो मैं एप्पल जैक के मेरे सर पर मंडराए बिना कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो हम क्या कर सकते हैं? एक सेकंड रुको, मैं समझ गई। क्या? वो पाइस, मैं छुप कर जाऊंगी और वो डिलीवरी कर दूंगी। ग्रैनी ने कहा था वो जिस शहर जा रहे हैं वहाँ का रास्ता बहुत मुश्किल है, अगर मैंने ये अकेले कर दिया तो मैं एप्पल जैक को दिखा दूंगी कि मुझ पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं। बस एक प्रॉब्लम है, बहन हमारा हालचाल जानने कभी भी आ सकती है। इसका मतलब है हमें जरूरत है एक एस्केप प्लान की। ओह, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। देखा, ऐसा लगेगा कि तुम बेड पर सो रही हो। हम दोनों बारी बारी से ऐसा करेंगे और जब एक थक जाएगी तब दूसरी उसकी जगह ले लेगी। शानदार है ना? पता है क्या, ये शानदार है, मुझे लगता है इससे काम बन जाएगा। मैं दिखा दूंगी मेरी सिस्टर को, मुझे उसकी देखभाल की जरूरत नहीं। रुको, ये गाने का वक्त नहीं है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें इसी वक्त जाना होगा। क्यों नहीं? Whoa!
सब ठीक तो है ना शुगर क्यूब? जल्दी तुम बेड पर जाओ, मैं छिपती हूँ। स्वीटी नहीं, तुम्हें एप्पल ब्लूम की तरह सोना है। वो कैसे सोती है? जैसे वो हर काम करती है, स्टाइल में। लगता है कि तुम इतनी थक गई कि अपने दोस्तों को घर भेजकर खुद सो गई। आखिर तुम एक नाजुक फूल जो ठहरी। अच्छे से सोना एप्पल ब्लूम, मैं थोड़ी देर में फिर से तुम्हें देखने आऊंगी। बस तुम्हें देखने आई थी। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? आराम से सो जाओ। और एक कंबल लोगी? क्या तुम खास रही थी? एक ग्लास पानी? बस तुम्हें फिर से देखने आई थी। जरा देखो तो कितनी आराम से सो रही हो। और एक मैं हूँ जो हर 5 सेकंड में तुम्हें संभालने चली आती हूँ। तुम तो बिल्कुल ठीक हो। शायद तुम्हें सारा वक्त मेरी देखभाल की जरूरत नहीं है। वाओ, एप्पल ब्लूम को ये सुनकर बहुत खुशी होगी। स्कूटलू? नहीं तो स्वीटी बेल, पर एप्पल ब्लूम कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, वो कहीं भी हो सकती है। वो बेचारी अकेली, भूखी, प्यासी, ठंड में बीमार पड़ सकती है। चिंता मत करो, हमें पता है वो कहाँ पर है। हाँ, वो तुम्हारे पास डिलीवर करने गई है। क्या? नहीं, क्या वो नहीं जानती वहाँ पहुँचना कितना मुश्किल और खतरनाक है? हाँ। शायद मैं अब अपनी बहन को और कभी नहीं देख पाऊंगी। ओके, रेडिटी तुम दोनों का ख्याल रखने आ रही है। अब बताओ, क्या एप्पल ब्लूम अपने साथ फायर बूथ लेकर गई है? शेर पालने वाले की कुर्सी, सांप पकड़ने वाली बांसुरी, रिकॉर्डर का टुकड़ा? ठीक है, शायद उसके वहाँ पहुँचने से पहले मैं उसे ढूंढ लूंगी। वो कब निकली थी? उसे गए तो कई घंटे बीत चुके हैं। ओ नहीं, दलदल में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कम से कम मुझे कुछ दिखाई तो दे रहा है। जहाँ कहूँगा वहीं रुक जाना, क्योंकि सिर्फ वही जगह सुरक्षित होगी। मुझे तो ये सुरक्षित नहीं लगती। मेरा मतलब आग की लपटों से है। पर हमसे नहीं। वो क्या था? क्या तुम थोड़ा जोर से बोलोगे? मैं अपने मेहमानों को बताने वाला था कि हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मेरी बहनें और मैं कभी किसी चीज पर राजी नहीं हो पाते। सिर्फ पाए को छोड़कर। well, बदकिस्मती से मुझे ये पाई दलदल के पार वाले शहर में पहुंचानी है। तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अपनी एप्पल पाई के साथ थोड़ा फिली फिलेट भी खाने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो? अब बहनों, 3 की गिनती पर 1, 2, 3। नहीं, ऐसी भी क्या जल्दी है तुम्हें? नहीं।
बॉयज कहाँ हैं? वो यहाँ पर नहीं है। ये तुम्हारी गलती थी। तुम्हें लगता है हमेशा तुम ही नेता बन सकती हो? तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तुम्हें नहीं पता कैसा महसूस होता है जब तुम्हारी बहनें सिर पर मंडराती रहें। दरअसल अब एक बार के लिए मेरी बात सुनो, और मैं कहती हूँ अगर हमें पाइज नहीं मिलने वाली तो चलो फिली फिलेट से ही काम चलाते हैं। कोई आखिरी शब्द कहना चाहोगी? काश मेरी बहन यहाँ होती। घबराओ मत एप्पल ब्लूम, मैं आ रही हूँ। पकड़ो उसे। हे, मुझे लगा अब मैं इंचार्ज हूँ। मैंने कहा था तुम्हें अपनी बड़ी बहन की देखभाल की जरूरत है। मैं खुश हूँ कि इससे बुरा कुछ नहीं हुआ। मेरा मतलब, माना कि हमने पाइज वाली गाड़ी खो दी, पर कम से कम तुम गाड़ी और वो सारी पाइज, तुम सच में उन्हें ऊपर तक ले आई अंधेरे में, आग उगलने वाली दलदल से बचकर और उस राक्षस से बचकर बिल्कुल अकेली। वाह, ये तुमने बहुत अच्छा किया। कोई भी पोनी जो ये अकेले कर सकती है, उसे मेरी जैसे किसी पोनी की देखभाल की जरूरत नहीं। वाह, क्या बात है, ये तो मेरे मामा के बनाए हुए पकवानों से भी ज्यादा लजीज है। क्या बात है। ओ मामा, ऐसे मत करो। बस याद रखना, अगर मेरी बहन नहीं होती तो तुम कभी इन पाइस का मजा नहीं ले पाते। और मेरी बहन भी। मगर इस बात को कभी भुलाया नहीं जा सकता है कि तुम्हारा अकेले पाई पहुंचाने का आइडिया बहुत बचकाना था। जानती हूँ। ग्रैनी स्मिथ तुम्हें ऐसा करने के लिए एक महीने घर के अंदर ही रखेगी, और अगर किसी दिन बिग मैक, ग्रैनी स्मिथ और मुझे एक साथ बाहर जाना पड़ा तो मुझे यकीन है कि तुम अकेले घर पर रहकर सब कुछ संभाल सकोगी। शायद मैं तुम्हारी देखभाल को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, और अगर तुम इस तरह छुपकर बाहर नहीं निकलती तो शायद मुझे कभी इसका एहसास ही नहीं होता। हाँ, और इस तरह की देखभाल की मुझे मेरी जिंदगी में हमेशा जरूरत रहेगी, तो सब ठीक है ना प्यारी बहन? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।